ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौं जूं शः, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शक्ति, ओम नमः शिवाय, पराशक्ति, ओम नमः शिवाय, ओम शक्ति, ओम नमः शिवाय, पराशक्ति, ओह नारद, ये क्या तुम कर रहे हो? मैं अपने प्रभु के भक्ति में लीन हूँ और तुम हो ओम शक्ति कर कर क्या कह रहे हो तुम? तुम भक्त और भगवान के बीच में विघ्न मत बनो। आहाहा, नहीं नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि सिर्फ ओम नमः शिवाय ही काफी नहीं, ओम शक्ति भी बोलो। ओम शक्ति, ये क्या है ओम शक्ति? ओम नमः शिवाय तो ये खाली शब्द। ओम शक्ति बोलोगे तब ये ओम नमः शिवाय और भी ताकतवर हो जाता है। क्या बोल रहे हैं नारद? मुनिवर, ये घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं? साफ साफ बताइए, ये ओम शक्ति क्या है? हे तपस्वी, ओम शक्ति तो इस संसार का रचना है। ओम शक्ति में ही सब समाया हुआ है। उस ओम शक्ति की ही आराधना करो, सर्व उत्तम है। क्या ओम शक्ति? शिव से बढ़ के कोई नहीं। शिव में ही जो ताकत है, ओम शक्ति वगैरह में नहीं। तुम ये क्या सिखा रहे हो? और ये ओम शक्ति है कौन? ओम शक्ति अर्थात पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, वही ओम शक्ति आपके शिव के बगल में बैठकर पार्वती बनती है। वही ओम शक्ति भगवान विष्णु के शेष नैया पर बैठकर महालक्ष्मी बन जाती है। वही ओम शक्ति ब्रह्म देवता के पास जाकर सरस्वती माता का रूप धारण कर लेती है। सकल सृष्टि उसी की है। सकल सृष्टि उसी के अधीन है। इस सृष्टि का निर्माण करना, उसका पालन करना और अंत करना ओम शक्ति के ही हाथ में है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? शिव ही सबके मेन है, शिव ही सबके प्रमुख और प्रधान देवता है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ये तीन प्रधान हैं। इन्हीं के अंदर से सब निकलते हैं और इन्हीं के अंदर सब समा जाते हैं। मुनिवर, मैं कैसे मान लूं? मैं तो शक्ति को ही मानता हूँ। हाँ, तुम तो नारायण नारायण करते थे,
ये अचानक ओम शक्ति क्यों कहने लगे? बस जिसकी शक्ति प्रबल उसी का नाम मैंने लेना शुरू कर दिया। हाँ, तुम्हारी एक नैया पे पैर नहीं, दो नैया पर पैर रखोगे डूब जाओगे। परमेश्वर ही प्रधान है, चाहे वो शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सिर्फ परमेश्वर ही प्रधान है। ओहो, तो परमेश्वर का कुछ महिमा मुझे भी दिखा दो, मैं परमेश्वरी की स्तुति करना छोड़ दूंगा। ओ तो तुम्हें परमेश्वर की शक्ति देखनी है? मुनिवर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पक्षी को देख रहे हैं? हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अश्वी, ये तुमने क्या किया? उस निर्दोष जीव को क्यों मारे आपने? मुनिवर, आप ये बोल रहे थे ना कि शक्ति के बगैर कुछ भी नहीं। देखिए, शिव के बगैर कुछ भी नहीं। शिव जी से प्रार्थना करके मैंने उस जीव के प्राण को हर लिया और शिव की शक्ति से इस जीव को पुनः जीवन भी मिल जाएगा। अब आप माने कि शक्ति नहीं होती? अब आप तो माने कि शक्ति नहीं होती, सिर्फ परमेश्वर ही है। लेकिन मैं तो अभी यही कहूँगा कि शक्ति के बिना आपके शिव भी सौ हैं। मुनिवर, आप अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं, जाइए। अगर आपको शक्ति के दर्शन करना है ना, तो जाओ तपस्वी ब्रह्मलोक, जाओ भौरा बनकर ब्रह्मा जी के 3 चक्कर काट कर आओ। मैं प्रभु के 3 चक्कर क्या 1000 चक्कर काट सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ तुम्हें शक्ति मिलेगी उनके बगल। उस शक्ति की माया में ब्रह्मदेव ध्यान पर हैं। वो तुम्हें ध्यान अगर दे देते हैं, क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं जाऊँगा और प्रभु मुझे ध्यान नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे ध्यान? शक्ति की माया में फंसे हुए हैं ब्रह्मदेव। जाइए जाइए, अगर वो अपनी निद्रा से न जागे तो आपको मानना पड़ेगा कि शक्ति महान है, जो इस सकल सृष्टि को अपने काबू पर कर रखी है। सकल देवी देवता उसी शक्ति के अधीन है, तुम भी। मैं भौरा बन के जाता हूँ और देखता हूँ। माता परमेश्वरी, अब तुम ही हो माँ। नारायण नारायण नारायण।